सुपर मार्केट भूटान का पैसा कुछ ऐसा होता है 100 rupees का। सो यहाँ से स्टार्ट होता है थ्रिफ्ट स्टोर, तुम देख सकते कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा इसका है। भैया ने बोला 350 200 ये वाला भी अच्छा है तो सब डिजाइन ये सब है 150 का। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वाली व्लॉग में भूटान का व्यू दिखाया था बाहर का, सो ये है पार्ट 2 व्लॉग। सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ सुपर मार्केट जयगो। सो बाहर का व्यू कुछ इस टाइप का है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ ये जयगो का जो मार्केट पड़ता है ये बिल्कुल भूटान के बॉर्डर के पास में पड़ता है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे यहीं पे शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ पे आप लोग को सारे डेकोरेट आइटम से लेके क्लोदिंग आइटम फुटवेयर सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अभी देख सकते हैं हम लोग अभी अंदर घुस गए हैं। ये ट्रेडिशन का ये है हाफ किराए स्कर्ट है नीचे का देख सकते हैं ऐसे। सो यहाँ से स्टार्ट होता है थ्रिफ्ट स्टोर, यहाँ पे पूरा थ्रिफ्ट क्लोथिंग आइटम। सो जैसे कि इस मार्केट में ना आप लोगों को हाफ साइड में हाफ मार्केट पूरा थ्रिफ्ट का मिल जाएंगे, इसमें पूरा थ्रिफ्ट का आइटम मिलेगा इस साइड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब जैकेट वगैरह 100 rupees में मिल रहा था और ये सब कुछ 100 rupees 150 और 200 इतने में आप लोगों को मिल रहा था। और ये आप लोग देख सकते हैं स्वेटर सिर्फ 100 rupees में मिल रहा था, ये जैकेट वगैरह सेल 100 rupees सब कुछ यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग को 100 rupees में मिलेंगे। ये सब है 150 का देख ही सकते हैं कोट। अरे क्यों स्क्विड गेम चिल्ली। तो यहाँ पे ना आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम दे के अच्छी तरीके से देखोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स भी मिलता है काफ़ी, तो ब्रांडेड भी होता है बिल्कुल न्यू ही होता है। और ये आप लोग देख सकते हैं शर्ट का यहाँ पे स्टॉल इस टाइप का लगा हुआ था, ये आई थिंक 200 या 250 ऐसे प्राइस बोल रहे थे भैया। जी देख रही है अभी कैसे कैसे लग रहा है। माउस वाह इसे तुम देख सकते कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पे इस बार बहुत सारे विंटर का कलेक्शन था, इस टाइप का जैकेट आप लोग देख सकते हो अभी कितना ट्रेंड में, सभी लोग ज़्यादातर कैरी कर रहे हैं। और इस टाइप का वफर जैकेट हो गया है और ये वाला जो सॉफ्ट वाला स्वेटर था ना ये मीशो में भी मिल रहा था, जो प्राइस आई थिंक 500 या 400 कितना बोल रहा था यहाँ पे, ये भैया बोल रहे थे 300 rupees इसका। बट आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो, अगर आप लोगों की बार्गेनिंग स्केल अच्छी है ना तो आप लोग अच्छी तरीके से बार्गेनिंग करके ले सकते हो और ये भैया सब बार्गेनिंग अच्छी तरीके से कर भी देते हैं। तो ये सब स्वेटर आप लोग देख सकते हो जिसको भैया बोल रहे थे 300 rupees। तो आप लोग देख सकते हैं इधर से ही कपड़ा खरीद के यहाँ पे सिला भी सकते हैं, घटाना बढ़ाना सब कर सकते हैं इस भैया से। अंदर से वुलन को तो ये सारे जीन्स वगैरह 200 ये वाला भी अच्छा है तो। तो अभी देखिए ये शर्ट देख रही है जो भी तुम दोगे हत्तू मास्टर फैब्रिक थोड़ा थ्रिफ्ट स्टोर में अगर आप लोग शॉपिंग कर रहे हो तो अच्छे से प्रोडक्ट को चेक करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि कई बार दाग वगैरह लग जाता है, फटा वटा भी हो सकता है, तो इसलिए जब भी ले तो अच्छे से देख के चेक करके ही ले। दीदी को सब
देख सकते हैं आप लोग स्वेट शर्ट सो यहाँ पे ना मार्केट के बीच में एक ट्री है, ट्री के बगल में इस टाइप का छोटा सा एक गली है जहाँ पे इस टाइप का स्वेट शर्ट वगैरह मिल रहा था, स्वेटर कोट वगैरह मिल रहा था, और उसी के बगल में ना यहाँ पे हाफ स्वेटर का स्टॉल मिला था मेरे को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे वेरायटी था यहाँ पे हाफ स्वेटर का, और हाफ स्वेटर आप लोग को पता होगा अभी कितना ट्रेंड में चल रहा है, तो इस टाइप का समर टाइप का भी था और विंटर टाइप का भी हाफ स्वेटर बहुत सारे कलेक्शन था यहाँ पे, और इसका प्राइस था 240 रुपीज। तो उससे हाफ स्वेटर वाले गली से सीधा हम लोग जाएंगे ना, तो यहाँ पे कोट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था जिसको आई थिंक प्राइस बोल रहे थे 300-500 रुपीज़, और ये वाला कोट मुझे बहुत ही पसंद आया जिसको मैंने ट्राई करके भी देखा। इसका है भैया ने बोला 350, पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। देख दिस तो आप दीदी ब्लैंकेट देखिए ब्लैंकेट वगैरह जैकेट वगैरह आप लोग आके देख सकती हूँ, और अच्छा लगे तो आप लोग है ना दाम वगैरह ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो वहीं से सीधा आते टाइम पे ना मुझे यहाँ पे कटराई का पैंट मिला जहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन था, ब्लैक ब्राउन इस टाइप का कलर था और हाई वेस्टेड भी था। पहले तो अंकल बोल रहे थे 350 रुपीज़ एक का, बट मैंने दोनों पैंट बार्गेनिंग करके 400 रुपीज़ में लिया। भूटान का पैसा कुछ ऐसा होता है, ये है 20 रुपीज़ और ये है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ के इधर फोर्थ किंग वो वाला में, फोर्थ किंग का पापा, थर्ड किंग एक टाउलेन छोटी शॉर्ट पेटे खत्म, बहुत ही तीखा था। तो हम लोग अब निकल चुके हैं, निकल चुके तो नहीं है, निकल रहे हैं, वी आर वेरी टाइट, बहुत ही ज़्यादा। अब हम लोग किधर जाएंगे, डारा गाँव जाएंगे। केविन है नानी वाला, पुचका वाला पुचका दुकान में नहीं है, किधर चला गया, पुचका लेट आ गया इधर। कैसा लगा एक बाइट में? वहीं पुचका वाले भैया के पास में ना ये छोटा सा इयररिंग का स्टॉल लगा हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इयररिंग्स था जहाँ पे, और इसका ना प्राइस बोल रहे थे 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, सभी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस का था, बट कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।